कई वर्षों में लगातार एक टॉपिक से क्वेश्चंस कवर अप हुआ है, मसलन कि हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम हुए, मतलब व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसलिए इसी पर ज्यादा आज फोकस करेंगे। आपको ये बता दें कि हरित क्रांति के पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका बताएंगे आपको और इससे मेन्स एग्जाम में और पीटी एग्जाम में दोनों में क्वेश्चन आता है। हरित क्रांति जैसा आप जानते होंगे 1966-67 में शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले 1962 का भारत चीन का युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध बहुत प्रमुख है, क्योंकि उसी समय में जय जवान जय किसान का नारा आया था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को खाली जमीन पर खेती करनी चाहिए। खुद लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने खाली जमीन पर खेती शुरू कर दी थी और भारत का प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था। उसके तुरंत बाद 1966 और 67 ईस्वी में हरित क्रांति की अवधारणा आ गई। एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक कहा जाता है। हरित क्रांति को लाया गया था कि भारत में सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेशन को फायदा हो, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। फिलीपींस स्थित मनीला से IR वेराइटी की जो वेराइटी थी उसकी नए नए हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लाए गए थे, मतलब जो उच्च तकनीक के बीज वाले थे। हरित क्रांति में बीज स्ट्रांग थी, मतलब उच्च तकनीक बीज वाली थी। ऐसी कृषि करने में इरिगेशन की पूरी सुविधा होनी चाहिए, फर्टिलाइजर का यूज भी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हरित क्रांति को जब शुरू किया गया भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के तमाम राज्यों में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। हरित क्रांति को लाने के पीछे दूसरा उद्देश्य था कि भारत में जो अन्न का भंडार है, उस समय में हम लोग अमेरिका से अनाज खरीदने को बाध्य थे, लेकिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारत को अनाज देने पर विचार करने का प्लान किया था, लेकिन भारत ने स्वयं ही कह दिया कि हम अनाज आपके यहाँ से नहीं लेंगे। उस समय लाल गेहूं भारत आता था, जिसे भारत ने लेना छोड़ दिया और भारत में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसमें हरित क्रांति के बारे में ये दिया जाता है कि जो हरित क्रांति है ये क्रांति से क्या नुकसान हुआ भारत को। फायदा तो सारे लोगों को पता है कि गेहूं की फसल जो थी वो 600 times बढ़ गई थी। इसका नुकसान पर हम लोग सबसे ज्यादा बात करेंगे और इसका जो मेन नुकसान है इसमें है कि ये सीमित एरिया में हुआ, जैसे पंजाब हरियाणा में ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बाकी इलाके में नहीं हो पाया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को प्रतिवर्ष फर्टिलाइजर की और इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मिट्टी की रिटेंटिव कैपेसिटी फर्टिलाइजर सहने की ये प्रत्येक वर्ष बढ़ने लगा और जिसके चलते किसानों को दिक्कत होने लगी कि हर साल बड़ी पूंजी उन्हें खरीदना आवश्यक हो गया। तो ये किसान के लिए एक बड़ी चुनौती थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगला नुकसान हुआ कि बार बार कृषि और बार बार इरिगेशन होने के चलते, जब रोज इरिगेशन हो रहा था प्रतिदिन, तो इसमें एक नुकसान ये भी हो गया कि मिट्टी जो थी वो दलदलीय होना शुरू हो गई। आप पंजाब हरियाणा में एक तो सैलिनिटी का प्रॉब्लम जो है, लवणता का अर्थ है कि जितना ज्यादा सिंचाई के चलते जब इवापोरेशन हो रहा है तो उससे मिट्टी में लवणता बढ़ती जा रही है, तो जो मिट्टी है वो नमकीन हो गया है, इससे खेती पर असर पड़ना शुरू हो गया। और दूसरा कि पानी जो है वो वहाँ से सीपेज करता है कैनल इरिगेशन के चलते, तो मिट्टी दलदलीय हो गया। ये दो नुकसान हुआ है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। साथ ही साथ जो चावल की जगह सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ, चावल को तो लाभ हुआ नहीं जितना होना चाहिए था, तो ये भी एक नुकसान, जिसको एक नुकसान बोलेंगे। दलदलीय भूमि को ठीक करने के लिए यूकलिप्टस जो ट्री होती है, यूकलिप्टस, तो इस ट्री को भारत में लाया गया था, लेकिन गलती से इस पेड़ को पूरे भारत में लगा दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पानी की पहले से दिक्कत है उस इलाके में यूकलिप्टस के पेड़ लगा देने के कारण वहां पर ड्राउट की कंडीशन हो गई
वहां का कुआं चापाकल सारा चीज सूखने लगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वर्तमान में एक दूसरी हरित क्रांति चलाई जा रही है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ये हरित क्रांति का उद्देश्य इको फ्रेंडली है, जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देना है और पर्यावरण के साथ साथ किसी भी प्रकार से जो वाटर टेबल है उसको नुकसान नहीं होने देना, मतलब वाटर टेबल को उसी प्रकार से रहने देना है जैसे कि वो पहले था। साथ ही जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर टेक्निक है इसको भी लाया गया है भारत में, ये इजराइल की टेक्निक है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। भारत की जो मिट्टी लवणीय हो गई है उसको तो ठीक करना मुश्किल होगा, तो वहां पर हेलोफाइट्स वाले जो प्लांट है, प्लांटेशन है, इसको विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इंदिरा गांधी कैनल जो पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान तक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम सिल्टेशन का है, मतलब जो नदी के साथ जो डस्ट होते हैं, बालू होते हैं, तो उसको ग्राउटिंग प्रोसेस से ठीक करना, इस पर भी विचार किया जा रहा है। हरित क्रांति में जो अगली जो अभी वर्तमान में जोड़ा गया है कि पहले जब प्रोडक्शन हो जाता था तो 210 मिलियन टन जैसा जब प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो भारत में एक प्रॉब्लम आ गया कि जो हमारा रॉ है गेहूं, इस गेहूं का हमको नुकसान शुरू हो गया, और मतलब हम इसको बाहर नहीं भेज सकते, मतलब गेहूं को बेचा नहीं जा सकता है, तो हमारा गेहूं कोई खरीद नहीं रहा है। इसके चलते भारतीय बाजार में क्या होता है, इसकी रेट गिर जाती है। तो मार्केट को कंट्रोल कैसे किया जाए, लोगों की परचेजिंग पावर को कैसे कॉन्स्टेंट रखा जाए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जो हरित क्रांति के समय से फेस किया जा रहा था। हालांकि 1966-67 में जो फायदा हुआ देश को ग्रेन प्रोडक्शन का, वो आज भी जारी है, और उस वक्त में सीमित एरिया में इसलिए इसका डेवलपमेंट हुआ था कि कैपिटल सपोर्ट मिलता था किसानों को, जो दूसरे एरिया में नहीं मिला। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है बिहार में, असम में और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, इस पूरे क्षेत्र में चल रहा, तो इससे हमें लगता है कि हरित क्रांति को लाभ होगा, और ये लाभ से भारत के जो ग्रेन प्रोडक्शन है इसका भी उससे फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ऐसा ही और भी अच्छा वीडियो चाहिए होगा तो जरूर लिखिएगा। हमने आज ये पूरी हरित क्रांति से संबंधित बताया, उसके बाद ही सोनालिका या सोनाली इस प्रकार की जो भी गेहूं की किस्में थी वो भारत में आई, और जितने भी IR वेराइटी वाले देख रहे हैं वो रिसर्च वाले जो है वो भी भारत में आया। मैक्सिको से भी भारत ने काफी कुछ लिया इस क्रांति के समय में। उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा, हमसे जुड़े रहिएगा, शेयर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।